गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी मॉलिक्यूल जिसका पूरा नाम है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है या किसी रेफरेंस बुक में अगर है तो बहुत छोटा सा पार्ट है इसका, बट इम्यूनोलॉजी का ये बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग इसके पहले इसमें टॉपिक में कवर किए थे, देखे थे सेल्फ एंड नॉन सेल्फ करके एक पॉइंट था कि हमारा इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ को यानी बाहरी पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करता है या मारने का काम करता है, और जो सेल्फ है यानी हमारे बॉडी के अपने सेल उसको कुछ नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना इसके लिए, तो वही मैकेनिज्म का नाम है जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्निशन देता है, वह है एमएससी मॉलिक्यूल, यानी उसका पूरा नाम है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल। आज हम लोग इसको देखेंगे। तो मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी एमएससी मॉलिक्यूल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ठीक है ना? मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल ये हमें रिकॉग्निशन देता है हमारे बॉडी के सेल को कि यह एंटीजन है कि नहीं है, और इसी के मदद से हमारा जो टी लिम्फोसाइट है यानी टी लिम्फोसाइट में जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है वह उस पार्टिकुलर एंटीजन को मार के खत्म करने का काम करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक साइंटिस्ट है डी स्नेल एंड पीटर ए गोरर, डिस्क्राइब ए लोकस ऑन क्रोमोसोम 17 एंड इन ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर 6। जो चूहा है इनमें इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया कि चूहे के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर 17 है और हमारे बॉडी का जो क्रोमोजोम नंबर 7 है उस पे एक लोकस होता है। ठीक, यहां पर एक टर्म हमने दे दिया लोकस। तो लोकस क्या है? तो लोकस इज ए ग्रुप ऑफ जीन। लोकस जो है वह एक ग्रुप ऑफ जीन के लिए है जो एक पार्टिकुलर पेप्टाइड यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी वो एक पार्टिकुलर प्रोटीन बनाता है जो क्या करता है, जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन कराने में मदद करता है, और उसी का नाम है एमएचसी मॉलिक्यूल, जिसे पुराने नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, बट नया नाउ वाइडली एक्सेप्टेड है एमएचसी मॉलिक्यूल, जो हमारे बॉडी के क्रोमोजोम नंबर 7 पे और एक्चुअल में सबसे पहले इसको चूहे में देखा गया था। जो चूहे में कहां पर? तो चूहे में क्रोमोजोम नंबर 17 पे होता है। लोकस है कलेक्शन ऑफ जीन इट इज कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन
एंटीजन HLA and now widely accepted as MHC molecule. MHC का मतलब major histocompatibility complex. तो जो क्रोमोजोम नंबर 6 हमारे बॉडी के सेल के क्रोमोजोम नंबर जो 6 पे होता है वह एक प्रोटीन बनाता है यानी पेप्टाइड बनाता है और उसी को हम लोग कहते हैं एमएससी मॉलिक्यूल। तो हमारा जो हमारा होस्ट सेल कहने का मतलब हम बात करेंगे होस्ट सेल की। तो एक्चुअली क्या कहता है कि होस्ट सेल कैरी करता है एमएससी मॉलिक्यूल को। होस्ट सेल कैरी एमएससी मॉलिक्यूल को, होस्ट सेल आप लिख सकते हैं या इसी चीज को आप हमारे बॉडी का सेल भी लिख सकते हैं। होस्ट सेल कहने का मतलब हम लोग सारे एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे चूहे की बात की तो चूहे में भी एमएससी मॉलिक्यूल बनता है। तो चूहे के अंदर कोई पैथोजन जाएगा तो चूहा का बॉडी का सेल क्या होगा? होस्ट सेल। हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आ रहा है तो हमारे बॉडी का सेल क्या हुआ? होस्ट सेल हुआ। और वो क्या हुआ जो पैथोजन आया? वो गेस्ट हुआ। तो होस्ट सेल कैरी एमएससी मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस विच हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये किसने मदद करवाएगा? तो ये मदद करवाएगा सेल्फ में और नॉन सेल्फ में। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स जो पैरासाइट होते हैं क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्सेज ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट सेल एमएससी फॉर्म एंटीजन। तो हम होस्ट सेल का एमएससी, देखो होता क्या है कि जैसे जो पैथोजन हमारे बॉडी के सेल के अंदर चले जाते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करके न्यूट्रलाइज करना इतना आसान काम नहीं होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हमारा टी सेल क्या करेगा? हमारा टी सेल भी एक सेल है और हमारे किसी एक सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया तो उसको पहचान करके न्यूट्रलाइज करना यानी मारने का काम इतना आसान नहीं होता है। तो कैसे पहचानेगा? तो वहीं पर काम आता है यह एमएससी मॉलिक्यूल। The complexes of parasite and host cell MSC form antigen which is recognized by receptor of TC cell. TC cell का मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, तो यही पे एक अब अगर कहा जाए कि एमएससी मॉलिक्यूल का एक मेन फंक्शन क्या है, क्या कह सकते हैं आप कि एमएससी मॉलिक्यूल का एक्चुअल में जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो वन फंक्शन ऑफ द एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स इज पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स इज रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्स एंड नॉन सेल्स। रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्स एंड नॉन सेल्फ।
तो ये पहचान करवाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अब एमएससी के टाइप, तीन तरह के एमएससी के टाइप होते हैं, एमएससी टाइप, ठीक है, इसके तीन टाइप होते हैं, एमएससी क्लास वन, तीन होते हैं, एमएससी क्लास वन, एमएससी क्लास टू एंड एमएससी क्लास थ्री। एमएससी क्लास वन जो है वह साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए होता है, यानी जहां पर एमएससी क्लास वन अगर लगा है तो वहीं पर साइटोटॉक्सिक टी सेल जाकर के एक्शन करेगा। जहां पे साइटोटॉक्सिक ये एमएससी क्लास वन अगर जहां पे नहीं लगा है वहां पे टी सेल काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए या कोई एंटीजन है या कोई ऐसा इंफेक्टेड सेल है, तो इंफेक्टेड सेल है तो इसके अंदर पैथोजन होगा, तो यानी एक तरह से एंटीजन हो गया। अब यहां पर इस तरह से इसके अगर सेल के सरफेस पे ये समझ लो एमएससी क्लास वन लगा है, ये एमएससी क्लास वन अगर इसके सरफेस पे है तो ही जो है मान लीजिए इसको न्यूट्रलाइज करने वाला या टीसी सेल है, ये समझ लो टीसी सेल है। तो जब इस तरह का इसके सरफेस पे ये होगा तभी अनन्यूट्रलाइज करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ओके, तो ये टीसी सेल हो गया हमारा, थोड़ा सा डायग्राम हम ये कर दिए हैं, उसको फिर से हम ये कर देते हैं समझने के लिए आपको। ये समझ लो हमारा टीसी सेल है, तो अगर इसके सरफेस पे इस तरह से होगा एमएससी क्लास वन तभी यह रिकॉग्नाइज करेगा, अगर नहीं होगा तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो एमएससी क्लास वन होता है टीसी सेल के लिए, एमएससी क्लास टू होता है मैक्रोफाज डेंड्राइटिक सेल और बी सेल के लिए, यानी मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल कब अटैक करेगा किसके ऊपर, तो ये साइटोटॉक्सिक टीसी सेल के ऊपर, सॉरी एमएससी क्लास टू जब लगा होगा किसी एंटीजन के ऊपर, वन मिनट, तो जब एमएससी क्लास टू किसी सेल के सरफेस पे होगा इसका मतलब है कि वहां पर मैक्रोफाज डेंड्राइटिक सेल या बी सेल आएगा। तो एमएससी क्लास टू जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन करवाता है मैक्रोफाज के लिए और डेंड्राइटिक सेल के या बी सेल के सरफेस पे। और एक तीसरा होता है एमएससी क्लास थ्री जो कैंसर सेल के लिए या नेक्रोसिस के लिए होता है। तो ये तीन क्लास इसके बटे हुए हैं। तो यहां पर इस तरह से तो हम कह रहे हैं एमएससी क्लास वन, तो एमएससी क्लास वन जो है वह किसके लिए है, तो एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ये डायग्राम से थोड़ा मिटा दी, इस तरह से समझाने के लिए मैंने डायग्राम दिया था। Expressed on the surface of all nucleated cell and it is necessary for and it is necessary for रिप्रेजेंटेशन ऑफ या प्रेजेंटेशन फॉर टीसी से। उसके बाद है
एमएससी क्लास टू इट रिप्रेजेंट फॉर मैक्रोफाज डेंड्राइटिक सेल एंड बी सेल और एमएससी क्लास थ्री। तो एमएससी क्लास थ्री जो है वो सोल्यूबल सेरम प्रोटीन एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, सोल्यूबल सेरम प्रोटीन एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री इतने चीज के लिए। तो इस तरह से आप समझिए मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को। अब चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत ज्यादा आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं। जब किसी बीमारी में एक सिम्टम्स हो, यानी किसी एक पार्टिकुलर बीमारी का सिम्टम्स आए तो उसे डिजीज कहते हैं, और जब एक से ज्यादा बीमारी के सिम्टम्स आए तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर बात यहां तक की हो गई। तो अगर हम जब बात करते हैं कि यह एड्स क्या है, एड्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसका टीवी वगैरह पे या बहुत सारी चीजों पे हमेशा आते रहता है। कोरोना के पहले यह सबसे बड़ा बीमारी में से एक था, बट आज के टाइम पे कोरोना सबसे बड़ा है, वो सबका बाप निकला है अभी तक, क्योंकि जितना ये सब लोगों ने जान नहीं लिया है वो अकेले तबाही मचा रखा है। ठीक, तो आज एचआईवी एड्स का जो पहचान है वो कम पड़ गया है कोरोना के सामने। कोरोना अपना वर्चस्व जो है सब पे ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना है, हमें जानना है। कोरोना भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके जगह पे अभी हम लोगों को ये एचआईवी एड्स को ही देखना है। ठीक है, हो सके आने वाले समय में कोरोना आपके सिलेबस में आ जाए, तो जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, देखेंगे क्या है कोरोना। लेकिन कोरोना के बारे में आप लोग अभी इतना जान गए हैं कि और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए एचआईवी एड्स क्या है। एचआईवी एड्स जो है इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम इन विच the number of T helper cell
सेल डिक्रीजेस। तो टी हेल्पर सेल किस लिए है? टी हेल्पर सेल है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि टी हेल्पर सेल में आपको हम बता चुके हैं कि टी हेल्पर सेल एक ग्रोथ फैक्टर को लेकर के जाएगा बी सेल के पास और बी सेल को मदद करवाएगा प्रोलिफरेशन में। बी सेल जब डिवाइड होता है तो बनता है बी प्लाज्मा और बी मेमोरी सेल में, और जो बी प्लाज्मा सेल है वही एंटीबॉडी बनाता है। तो जब यही नहीं रहेगा तो ये सिग्नल ही नहीं देगा बी सेल को, जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या तो बहुत कम होगा या तो नहीं होगा। तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, खत्म हो गया। अब देखो कि यह सेल मेडिएट, यानी कि आप जानते हो दो तरह का इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वह बी सेल से रिलेटेड था और सेल मेडिएट इम्यूनिटी जो है वह टी सेल से था। तो यह टी सेल के हेल्पर सेल को खत्म करता है, इसलिए क्या हो गया, डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर एक बात को समझते चलिएगा, यह टी हेल्पर, ठीक है, तो यह टी हेल्पर सेल के को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसके वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून ऑफ वायरल इन्फेक्शन और बॉडी इम्यून। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम या वायरल इसके होने की वजह से ये इस तरह से हो जाता है। अब अगर इसकी हम लोग बात करें डिस्कवरी की, द फर्स्ट द फर्स्ट पेशेंट ऑफ द फर्स्ट पेशेंट वॉज आइडेंटिफाइड या नोटिस इन यूएसए। पहला जो है वो नोटिस यूएसए में हुआ था। इन इंडिया फर्स्ट पेशेंट वॉज noticing prostitute in चेन्नई तमिलनाडु में है, आप जानते हैं, तो वहां के prostitute सेंटर पे चेन्नई में यह सबसे पहले इसको इंडिया में नोटिस किया गया था। अब अगर इसकी हम लोग साइंटिस्ट की बात करें कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्होंने ये किया था, तो सबसे पहला जो है वो ली मॉन्टेग्यूनियर का नाम आता है, जिन्होंने एचआईवी एड्स का जो है वो डिस्कवरी किया था। ठीक है, और इसके पहले एक डॉक्टर रॉबर्ट गैलो है जो रेट्रोवायरस के बारे में बताए थे, डॉक्टर रॉबर्ट गैलो, यस रॉबर्ट गैलो was first to introduce retrovirus। उसके बाद प्रोफेसर लू मॉन्टेग्नियर वाज फर्स्ट टू आइडेंटिफाइड
एड्स पेशेंट, यह भी यूएसए में ही आइडेंटिफाई हुआ था। उसके बाद में देखे थे एड्स का पैथोजेन कौन है, एचआईवी एड्स का पैथोजेन कौन है। तो एचआईवी एड्स का पैथोजेन जो है उसका नाम है एचआईवी, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जिसे एचआईवी वायरस कहते हैं, ठीक है। यानी कि एड्स का जो पैथोजन पार्टिकुलर जो नाम हुआ, और यह एक रेट्रो वायरस है, ईटीजे रेट्रो वायरस विच डिक्रीज टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल को यह खत्म कर देता है, समझ गए। अब अगर हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में इसका जो डायमीटर है वह 90 to 120 नैनोमीटर का होता है। अगर इसके हम लोग जीनोम की बात करें कि एचआईवी वायरस का जो जीनोम है वो कैसा होता है, तो इसके जीनोम में 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है देखो, तो आरएनए से डीएनए बनाने का काम कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आरएनए से डीएनए बनाता है। जबकि डीएनए से आरएनए कौन बनाता है, तो डीएनए से यहां पे टर्म क्या लगा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो उसका टर्म अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको समझ में आएगा। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उस प्रोसेस को, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनता है। तो ये काम को प्रोसीड कराने वाले एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब अगर इसके हम लोग एनवेलप की बात करें, इसका एनवेलप जो है वो कैसा है, तो एनवेलप जी भी जो है इसमें 2 प्रोटीन कोट होते हैं, 2 प्रोटीन कोट विद नॉब लाइक विथ नॉब लाइक स्पाइक, जो किसका है, तो वह ग्लाइकोप्रोटीन का है। अब एक स्ट्रक्चर आपको हम बनाते हैं इसका एचआईवी एड्स वायरस का, यहां तक की अगर बात हो गई आप नोट डाउन कर लिए। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते चल सकते हैं, आपका भी टाइम बचेगा।
थोड़ा डायग्राम और बड़ा करेंगे इसको हम लोग। अब इसमें अभी जो हम लोगों ने लिखा है टू प्रोटीन कोट, यही वह दो प्रोटीन का कोट है इसके एनवेलप का। ये दो प्रोटीन कोट हो गया और ये टू प्रोटीन कोट के बीच में टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। और हमने साथ में लिखा है विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो हमने दिखा दिया दो प्रोटीन कोण, दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। अब हमें एक नोब दिखाना है विद नोब लाइक स्पाइक, तो वो क्या देखिए नोब लाइक स्पाइक के बारे में, तो यानी हम लोग इस तरह से बना देंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर एक, तो नाम देंगे लेबलिंग करेंगे अब हम लोग इसका। ये हो गया टू दैट मीन्स ये दोनों जो है वो प्रोटीन कोट, नो लाइक स्पाइक। ठीक है,
ये सारा चीज जो है वह एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया इसका, स्ट्रक्चर के रिलेटेड बातों को लिखा है। अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले ये क्या क्या काम करता है, इसके लिए भी एक डायग्राम हम लोगों को बनाना है। स्ट्रक्चर हो गया, देखिए तो हेडिंग देंगे हम लोग मोड ऑफ एक्शन या इन्फेक्शन। तो ये कैसे इन्फेक्शन करता है या इसका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है। ओके, तो मोड ऑफ एक्शन या इन्फेक्शन में देखो, सबसे पहले जो HIV का वायरस है वह हमारे बॉडी के मैक्रोफाज में इंटर करता है, और मैक्रोफाज में इंटर करके, पहले पूरी बातों को एक बार सुन लीजिए वर्बली, देन हम लिखाएंगे भी। हम क्या कह रहे हैं कि मान लो यह HIV का वायरस है, ये सबसे पहले इंटर करेगा किसके अंदर, तो मैक्रोफाज के अंदर इंटर कर गया। मैक्रोफाज के अंदर जा करके ये नंबर ऑफ वायरस को बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा, तो सबसे पहले इसके अंदर का ये जो RNA है, ये RNA इंटर करेगा। मान लो कि यह एक मैक्रोफाज है, अभी समझ रहे हैं सिर्फ हम लोग बातों को, ये RNA आ गया इसके अंदर, और RNA आकर के अब बना देगा क्या, तो ये DNA, और जो मैक्रोफाज का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA होगा, ये इंटर कर जाएगा इसके न्यूक्लियस में, और फिर इस मैक्रोफाज के अंदर अपना नंबर ऑफ वायरस को बढ़ा करके इस तरह से बहुत सारे वायरस को बना करके मैक्रोफाज को मार देगा, और ये वायरस अब बाहर आएंगे एंड देन इन्फेक्ट टू आवर टी हेल्पर सेल। अब ये इंटर कर जाएंगे किसके अंदर, हमारे ये टी हेल्पर सेल के अंदर, और इसके अंदर भी इंटर करने के बाद ये वही प्रोसेस करेंगे, यानी अपना RNA से DNA बनाएंगे, और अपना DNA बना के टी हेल्पर सेल के न्यूक्लियस में डालेंगे, और टी हेल्पर सेल के न्यूक्लियस को कमांड करके उससे मैक्सिमम वायरस को बनाएगा, और फिर टी हेल्पर सेल को मार देगा, जिसके वजह से हमारा मैक्रोफाज भी मरता है और साथ ही साथ टी हेल्पर सेल भी मरता है। तो मैक्रोफाज को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस, यानी HIV वायरस को बनाने वाला ये फैक्ट्री है मैक्रोफाज। और टी हेल्पर सेल जब मैक्सिमम मरने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वह बर्बाद हो जाता है, और फाइनली पेशेंट जो है वह HIV से नहीं, अब उसके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तो वह किससे मरेगा, वह ट्यूबरक्लोसिस से आसानी से इन्फेक्टेड हो जाता है, डायरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको बाकी दूसरे डिजीज तुरंत अटैक कर देते हैं। कहते हैं कि लोग HIV वायरस से नहीं मरते, ये एड्स से नहीं मरते हैं, दूसरे डिजीज से मरते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपके घर में जब मेन दरवाजा मेन गेट ही नहीं है, तो कोई भी पर्सन आ जाएगा, है ना, मेन सुरक्षा चक्र ही टूट गया, यानी कि हेल्पर सेल ही खत्म हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम ही बर्बाद हो गया। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, पहले आपको रफली मैंने समझाया इस बात को, आइए इसका एक डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं। अगर ये डायग्राम हो गया तो मोड ऑफ एक्शन में डायग्राम हम लोग देखेंगे और तब उसकी बातों को पूरा लिखेंगे। तो इसका जो डायग्राम होगा उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट करके तब उसकी चीजों को हम दिखा देंगे आपको। तो पहले ये क्या है, ये हो गया रेट्रोवायरस या HIV का वायरस। HIV का वायरस
ये समझ लो हमारा एक सेल है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये अपने अभी आपको जो मैंने दिखाया था कि ये अपने आरएनए को इंटर करा देगा ह्यूमन के सेल के अंदर, यानी मैक्रोफाज के अंदर या होस्ट सेल के अंदर। तो ये होस्ट सेल हो गया एचआईवी का। तो पहला, एचआईवी के दो दो होस्ट सेल होते हैं, एक होता है टी हेल्पर सेल और दूसरा होता है मैक्रोफाज। तो जो पहला होस्ट सेल होता है वह है मैक्रोफाज, इसीलिए मैक्रोफाज को हम लोग फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्ट टू नॉर्मल सेल, यानी ये इन्फेक्ट टू नॉर्मल सेल, ठीक। अब ये यहां से क्या किया, यहां से ये अपना ये हो गया वायरल आरएनए, वायरल आरएनए अब ये बना लिया डीएनए, ये हो गया वायरल डीएनए, वायरल डीएनए अब ये यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया हमारे सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक। हमारे सेल के डीएनए में क्या है, हमारे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब ये डीएनए हमारे सेल के डीएनए में लाकर के डाल दिया, जब डीएनए में डालेगा तो यहां से क्या होंगे, नए अब देखिए, अब इसकी बातों को हम लोग एक जगह नोट डाउन करेंगे। वायरल डीएनए क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे बॉडी के सेल में। तो वायरल सॉरी डीएनए नहीं, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू सेल। अब ये क्या था, वायरल आरएनए था, वायरल आरएनए से क्या बना है, तो वायरल डीएनए बना है। तो वायरल आरएनए से वायरल डीएनए कैसे बनता है, तो वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये वायरल डीएनए बन गया। अब यही वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट सेल, कहां जाके जुड़ रहा है, तो ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट सेल डीएनए या फिर ह्यूमन सेल डीएनए या फिर हमारा मैक्रोफाज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर आकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा हमारे सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में, जुड़ गया। अब ये क्या करेगा, जितनी बार हमारा सेल डिवाइड करेगा, जितनी बार हमारे सेल में रेप्लिकेशन होगा तो उतनी बार क्या होगा, तो न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये यहां पर क्या बना है, नए न्यू वायरस आर प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल। अब उसी में से ये वायरस जब बन गया बहुत सारा, तब ये जो वायरस होंगे अब ये क्या करेंगे, ये बाहर आ गया, अब ये वायरस क्या करेगा, नाउ रेडी टू इन्फेक्ट न्यू सेल या अदर सेल।
नाउ रेडी टू इन्फेक्ट अदर से। ठीक, तो ये इस तरह से साइकिल चलता है। तो सबसे पहले जो आरएनए या सबसे पहले वायरस अगर हमारे बॉडी में इंटर किया, तो किसी भी मीडियम से इंटर करने के बाद आफ्टर द एंट्री ऑफ वायरस या वायरल डीएनए इंटर इनटू मैक्रोफाज, तो सबसे पहले कहां जाता है, तो वह मैक्रोफाज में जाता है। अब अगर इतना ये साइकिल का अगर आपका ये हो गया, ठीक है, तो अब हम इसको नोट डाउन करेंगे ये बातों को। ये आपका अगर नोट डाउन हो गया है तो इसके बाद इसमें कुछ बातों को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, इसी चीज को, यानी ये मोड ऑफ एक्शन को हम लोग लिखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आइए नोट डाउन कीजिए मोड ऑफ एक्शन में। तो कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन में क्या है, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ वायरस इनटू बॉडी बॉडी डीआरएनए ऑफ एचआईवी इंटर इनटू मैक्रोफाज वेयर इट कन्वर्ट इनटू डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो जो आरएनए गया था मैक्रोफाज में वो क्या बन गया, डीएनए बन गया। नाउ डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड विथ मैक्रोफाज इनकॉर्पोरेटेड विथ मैक्रोफाज डीएनए एंड इट कमांड टू एंड इट कमांड टू मैक्रोफाज फॉर वायरस प्रोडक्शन। सो मैक्रोफाज मैक्रोफाज इज कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। तो यानी कि अब ये इस तरह से, तो मैक्रोफाज में जब बहुत सारे वायरस बन गए, यानी कि वहां पर अपना काम करके बन गया, देन एचआईवी वायरस इंटर इनटू टी हेल्पर सेल वेयर इट रेप्लिकेट एंड इंक्रीज देयर नंबर। अब इतना काम होने के बाद में देन
एचआईवी वायरस इंटर इनटू देन एचआईवी वायरस इंटर इनटू टी हेल्पर से वेयर इट रेप्लिकेट टू इंक्रीज वेयर इट रेप्लिकेट टू इंक्रीज देयर नंबर। अब इसके क्या करेगा, यह रेप्लिकेट करके उसके नंबर को इंक्रीज कर देगा और फाइनली डिक्रीज द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल के नंबर को फाइनली क्या कर रहा है, तो यह डिक्रीज करते चला जा रहा है। ओके, अब आइए उसके आगे की बातों को हम देखें। तो मोड ऑफ इंफेक्शन यह इस तरह से करता है, आप समझ गए होंगे। अब मोड ऑफ इंफेक्शन के बाद में चलिए अब देखिए इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है इस वायरस का। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो सबसे पहले तो थ्रू ब्लड या सीमेन के थ्रू, हो जाएगा। फिर इन्फेक्टेड यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज और निडल, यूज ऑफ इन्फेक्टेड या कॉन्टामिनेटेड रेजर्स, मदर टू फिटस थ्रू प्लासेंटा, या वो खान वगैरह को जो छिड़वाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो, उससे भी ये सब चीज होता है। या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट यूज ऑफ कंडोम, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको ये सब चीज आया होगा क्या है सब, ठीक है, तो वो आप जान गए होंगे। फिर उसके बाद में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, ये सब में भी इसका चांसेस होता है। तो लिख सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है। जब ब्लड नहीं या फैल गया है तो सारे ऑर्गन के थ्रू भी हो सकता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हैं
उसके बाद में इंक्यूबेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ से 10 ईयर्स तक हो सकता है। अब आइए इसका प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है। एचआईवी एड्स के लिए एक बहुत अच्छी बात स्लोगन दी गई है, जानकारी ही बचाओ, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज क्योर एचआईवी एड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो लोगों को इसके लिए जागरूक कराना होगा, ठीक है। और तो इसका प्रिवेंशन तो सिंगल यूज जो डिस्पोजेबल सिरिंज वगैरह आया है वो इसी के लिए आया है, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज टेरर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या ये प्रॉपर ब्लड टेस्ट, प्रॉपर ब्लड टेस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एजुकेट या अवेयरनेस प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम और एड्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं। अब एड्स डे एक तो 1 दिसंबर को इज द एड्स डे। उसके बाद में आइए देखिए फिर है इसके बाद में इसका एक नैको करके ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारे प्रोग्राम को रन कराता है, रन वेरियस प्रोग्राम टू कंट्रोल एड्स। और अब इसका लास्ट में ट्रीटमेंट में क्लियर समझ लो कि नो परमानेंट, कोई क्योर नहीं है इसका, बट सम ड्रग प्रोलॉन्ग डी पेशेंट। ऐसे तो इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, ड्रग नहीं है, ये मतलब परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन कुछ इसके ड्रग जो हैं, जो इसको क्या करते हैं, थोड़े से पेशेंट को हेल्प करते हैं इसमें, जैसे जिडोविडुइन है, जूडो नहीं,
ZIDO, ZIDO, VUDINE, हाँ ZIDO VUDINE और DIDANOSIN, ZIDO VUDINE एंड DIDANOSIN, DIDANOSIN ये इसके जो हैं वो ड्रग हैं। तो ऐसा ही एड्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी आगे हम लोग देखेंगे कैंसर के बारे में और थोड़े से कुछ ऑटो इम्यून ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। ओके okay?